जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जजमेंट रिलेटेड है कि संपत्ति पर केयर टेकर का मालिक हो सकता है या नहीं हो सकता। कहने का यह अर्थ है कि कोई भी संपत्ति है, उसको मालिक ने अपने नौकर को दिया था देखभाल करने के लिए और लंबे समय तक देखभाल किया। लंबे समय में तक कहने का अर्थ है कि 10 साल, 15 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने देखभाल किया। अब वो मालिक उस संपत्ति को लेना चाहता है अपने कब्जे में, तो क्या संपत्ति पे नौकर अपना कब्जा जमा सकता है और कह सकता है कि लंबे समय तक मेरे कब्जे में है और मैं रह रहा हूँ उस प्रॉपर्टी पे, या फिर मालिक को वो संपत्ति मिल जाएगी। ऐसा ही मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। और जजमेंट में फ्यूचर में मीन्स वीडियो के आगे देखेंगे कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये मालिकाना हक किसके पास गया। संक्षिप्त में कहें क्या कि केस था मैटर कि केयर टेकर किसी भी संपत्ति का मालिक हो सकता है या नहीं। इसी को जैसा कि मैं बताया डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, मेरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट कीजिए कि इस पे आपका क्या विचार है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया, एक बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल का एक घटना था जिसमें एक मालिक ने एक घर जो है एक नौकर को देखभाल करने के लिए दे दिया और वो लंबे समय तक बाहर चले गए। जब लंबे समय के बाद आए तो नौकर को खाली करने के लिए बोला तो नौकर ने खाली नहीं किया, तो फिर ये जो है नौकर इस जमीन प्रॉपर्टी के एवर में अपना जो है अधिकार लेने के लिए सिविल कोर्ट गया। और वहां पर जब सिविल कोर्ट गया तो सिविल कोर्ट में लड़के के फेवर में मीन्स नौकर के फेवर में प्रॉपर्टी दे दिया गया और कहा कि वो लंबे समय तक इस पे रह रहा है इसलिए उसका अधिकार बनता है और ये उसी ये प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक केयर टेकर का जाता है। तो फिर मालिक ने कलकत्ता हाईकोर्ट गई तो कलकत्ता हाईकोर्ट में भी जो है नौकर के पक्ष में ही मामला मीन्स प्रॉपर्टी गया और नौकर ही उस प्रॉपर्टी का मालिक रहा और मालिक जो ओरिजिनल था उसको इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिला। तो फिर उस कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट गए मालिक, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो जज के एक बेंच बैठाई और ये जज जो थे उनका नाम था अजय रस्तोगी और दूसरा जज था AS ओका। इनकी दो जज की खंडपीठ ने इस पे हियरिंग करना चालू किया। जब हियरिंग करना चालू किया तो सुप्रीम कोर्ट के जो एक पीठ थी दो जज के, उन्होंने पाया कि कोई भी केयर टेकर जो है किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय तक के लिए मालिक ने उसको दिया था उस समय तक ना तो जो केयर टेकर है वो किसी तरह की रेवेन्यू दे रही है मालिक को और ना तो किसी तरह का अधिकार जता पाई है उस पे। केवल उनको मालिक ने देखभाल के लिए प्रॉपर्टी दिया था, इसलिए जो है ये देखभाल के जो प्रॉपर्टी मिली थी उसके बेसिस पे ये
ये प्रॉपर्टी जो है मालिक का ना हक और नौकर के पास नहीं जाएगा। और मालिक ने जो है जो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओरिजिनल मालिक था, उन्होंने सीपीसी का 7/11 मीन्स ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन लगाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि 7 ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत ये पेटिशन को एक्सेप्ट किया जाता है और ऑर्डर दिया जाता है नौकर को कि ये हैंड ओवर कर दे मालिक को। इस पे जो है मालिक मीन्स अभी जो तत्काल का मालिक था नौकर, वो एडवर्स पोजीशन का भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन के लिए दावे के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है कि जिस समय तक उसके कब्जे में है उस कब्जे के पीरियड तक कुछ ना कुछ रेवेन्यू मालिक को पहुंचना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू किसी तरह का नहीं पहुंचा, केवल उसको देख रेख के लिए मिला था। इसलिए एडवांस पोजीशन का भी कोई जो है वहां पे रूल्स नहीं बनता है और किसी तरह का राजस्व भी नहीं दे रहा था। यही सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नौकर को ऑर्डर दिया कि हैंडओवर करने के लिए 3 मंथ का टाइम दिया, और अगर कहा कि अगर 3 मंथ के अंदर नौकर हैंडओवर नहीं करता है तो ये कोर्ट का अवमानना होगा और फिर नौकर के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू होगी। तो इस तरह से इस जजमेंट से जानकारी हुई कि कोई भी केयर टेकर का अर्थ हुआ कि मालिक किसी भी प्रॉपर्टी का देखभाल के लिए किसी थर्ड पर्सन को देता है, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।